दोस्तों, मुझे बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं इन दिनों में कि मार्केट क्रैश हो रही है। हर तरफ एक हाहाकार का माहौल है, लोग डरे हुए हैं कि फिर से हमारे साथ वही हो रहा है कि बाजार से स्टॉक्स को बेच देना चाहिए, पूरा पोर्टफोलियो खाली कर देना चाहिए, जब निफ्टी 12,000 आएगी या 14,000 आएगी फिर ले लेंगे। तो क्या इस चीज की गारंटी है कि बाजार वाकई 12,000 आ जाएगा या बाजार 14,000 आ जाएगा, 14,000, 15,000, 16,000 या इट कैन क्रैश टू 8,000? क्या लगता है आपको? दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे बिल्कुल भी पर्पज नहीं है कि मैं आपको डराऊं कि बाजार 8,000 आ जाएगा क्या। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूं जिसको मैं फॉलो करता हूं, जो मुझे इस बाजार ने सिखाई है, जो मेरे रियल एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाई है, वही स्टोरी मैं आपको देने वाला हूं। अब जिन लोगों को मालूम है, ठीक है, कि बाजार में कोई भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है, कोई भी इंडिकेटर लगाना है, कोई रिस्क रिवार्ड रेशियो ले लेना है, हम ट्रेडिंग करते रहेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, सब चीजें सही है, बट किस तरह की स्ट्रेटजी को अपना के आप एक मंझे हुए एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, क्या स्टाइल होता है, वो किस चीज को फॉलो करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं कि उनको हर वक्त एक सही शेयर मिल जाता है, ऐसा क्या करें कि हमको खराब से खराब बाजार में भी एक अच्छी इक्विटी मिल जाए, एक अच्छा शेयर आइडेंटिफाई हो जाए, ताकि हम जब भी उसमें काम करें हम एक अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सके। सबसे पहली करेक्शन जो हमें अपनी लाइफ में करनी होगी वो होगी कि डेली हमें एक प्रॉफिट कमाने की जो भूख है कि स्टॉक मार्केट से हम डेली पैसा बना सकते हैं, इस भूख को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। क्योंकि बाजार कहीं भी कोई ऐसा रूल नहीं लिखा है कि बाजार में आपको डेली पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भी नुकसान होते हैं, बट उनके पास कैपिटल अच्छी होती है, उनकी एक्सपीरियंस अच्छी होती है, उनकी स्ट्रेटजी अच्छी होती है, उनका सेटअप अच्छा होता है, वो अच्छे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बहुत सारा सेटअप यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके वो अपनी चीजों को मैनेज कर लेते हैं, उनको मनी मैनेज करना आता है, ट्रेड को मैनेज करना आता है। बट क्या रिटेल निवेशक, एक आम ट्रेडर जो छोटी सी कैपिटल लेके आया, 20-50 हजार रुपए, 1-2 लाख, एक लिमिटेड कैपिटल के साथ काम कर रहा है, क्या वो इस मार्केट में सर्वाइव कर सकता है अगर जरा सा भी क्रैश आ जाए, जरा सा भी अगर हिकअप्स आएंगे मार्केट के अंदर में, एक छोटा सा झटका, एक छोटा सा निफ्टी के 500 पॉइंट्स अगर बाजार में साफ हो जाते हैं, तो वहीं बड़े बड़े लोगों को पसीने छूट जाते हैं, अच्छे अच्छे रिटेलर्स गायब हो जाते हैं, उनको लगता है बाजार उनके लिए नहीं बना। तो सबसे पहले आपको जो कंट्रोल करना होगा वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना होगा। ग्रीड को कंट्रोल करने का मतलब है कि डेली इस मार्केट से पैसा नहीं बनाया जा सकता, कोई नहीं बना सकता, मैं नहीं बना सकता, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स राकेश झुंझुनवाला हो, वॉरेन बफेट हो, नहीं कमा सकते, कोई नहीं कमा सकता। वॉरेन बफेट तो यहां तक कहते हैं कि यू कैन सी योर पोर्टफोलियो डाउन बाय 50%, यस यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। अगर 50% तक स्टॉक्स गिरते हैं तो आपको उसके लिए रेडी होना होगा, आपके पास पैसा होना चाहिए, सरप्लस फंड्स होने चाहिए, कंटिजेंसी होना चाहिए, मतलब एक ऐसा रिजर्व आपको बना के रखना चाहिए जो आपकी हमेशा हेल्प करे। तो सबसे पहली चीज जो हमको करेक्ट करनी है वो हमें ग्रीड के ऊपर कंट्रोल करना है, इस सोच को दिमाग से निकाल देना है कि डेली मार्केट से पैसा बनने वाला है, जी नहीं। अब काम कैसे किया जाए उसके ऊपर सबसे आखिरी में आता हूं कि एक कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी, कैसा बिहेव आपको करना होगा, कैसे सोच आपको लेके जानी चाहिए, वो हॉकाई ट्रेड कैसे हो सकता है, एग्जैक्ट बैंग ऑन ट्रेड कैसे हो सकता है, उसके ऊपर मैं आखिरी में आने वाला हूं। पहले आपको ये बता दूं क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज क्या करनी है, ग्रीड को कंट्रोल करना है, इमोशनल नहीं होना है ट्रेड के साथ में। अगर बाजार में जरा सी मूवमेंट आपके अगेंस्ट जा रही है तो आपको डरना नहीं है, आप डेटा को रीड कीजिए। जैसे मैं लाइव सेशंस में ऑप्शन चेन की बात करता हूं, ऑप्शन चेन एक ऐसा डेटा है जिसको अगर आप मास्टरी कर लेते हैं आप समझने लग जाते हैं, तो बहुत ही कमाल का डेटा है। हमारी बहुत सारी प्रोफेशनल क्लासेस चलती है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सीखने के लिए, आपके नियर बाय अगर कोई कोचिंग देता है आप उससे सीख सकते हैं, बट कम से कम सीखिए। डेटा को रीड करेंगे तो बाजार के कभी भी मूव्स को मिस नहीं करेंगे, आपको पता होगा कि बाजार कहां तक गिरा है, क्यों गिरा है, यहां से क्या बाउंस आने वाला है। तो पहली गलती ये है कि हम ग्रीडी होते हैं। दूसरी चीज, स्टार्ट रीडिंग द डेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा को रीड करने लगेंगे तो आपको ये समझ में आया कि बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहां पोजीशंस बना रहे, ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है, क्या बदलाव आ रहा है, कहां तक बदलाव आ रहा है, कहां बाजार को लेके जाने की कोशिश है, कहां तक बाजार जाएगा, कहां तक गिरेगा, गिरेगा तो क्यों गिरेगा, और उसके बाद क्या बाउंस करेगा, ये बहुत जरूरी है। तो सेकंड इज डेटा रीडिंग। तीसरी सबसे बड़ी वजह है जो आपको ठीक करनी होगी वो होगा मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, आपके पास हमेशा से ऐसे रिजर्व्स होने चाहिए, आपकी कैपिटल हो, आपकी सैलरी हो, आपके कोई भी फंड्स हो, कम से कम आपके पास 6 महीने का बैकअप हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जब मार्केट क्रैश करे आप उसको बाजार में लगा सके। अगर आपके पास ऐसा फंड नहीं है तो जब बाजार क्रैश करेगा और आप इन्वेस्टर हैं तो आप अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे, क्योंकि एवरी क्रैश एवरी करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जब बाजार में सोचते हैं कि रिलायंस फॉर एग्जांपल आज 2500 के रेट पे ट्रेड कर रहा है, कभी 1200 पे ट्रेड करता था, कभी 600 पे भी ट्रेड करता था, तो अगर मार्केट में क्रैश आता है, जैसे कोविड पैंडेमिक में क्रैश आया, रिलायंस 800 रुपए के आसपास आ गया, 800 रुपए पे क्या कंपनी बंद हो रही थी? आपको ये डिसीजन लेना है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जिनका फ्यूचर इंटैक्ट है, जो फ्यूचर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज है, अगर वो सस्ते भाव पे क्रैश के टाइम पे मिल रही है तो आपके पास पैसा होना चाहिए उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको उठाने के लिए। वहां किसी से पूछना नहीं है, आपको एनालिसिस करना है, आपको एस्टिमेट करना है कि क्या ये कंपनी फ्यूचर से जुड़ी हुई है,
क्या ये कंपनी 800 के भाव पे अट्रैक्टिव है? अगर ये कंपनी अट्रैक्टिव है तो आप उसको लेंगे और आपका पैसा बहुत जल्दी डबल करेगा, बहुत जल्दी 4 times हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस 400 से 2800 चला गया, अब किसी भी शेयर की बात कीजिए, सब शेयर डबल ट्रिपल 4 times 5 times भी हो गए कोविड पैंडमिक के बाद में। ऐसे क्रैशेस, ऐसी करेक्शंस आपको 8 से 10 साल में एक बार जरूर आती है, मार्केट साइक्लिक है, ये मौके आपको जरूर मिलेंगे। फोर्थ, पोस्ट मार्केट एनालिसिस। दोस्तों बाजार बंद होने के बाद में ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि बाजार आज कैसा बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, कौन से फैक्टर्स ने बाजार को ऊपर लेके गए, कौन से फैक्टर्स ऐसे थे जो बाजार को नीचे लेके आए, कौन से शेयर सबसे ज्यादा गिरे, कौन से शेयर सबसे ज्यादा बढ़े, क्यों गिरे, कहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ, कहां ब्लॉक डील हुई, कहां पे बल्क डीलिंग हुई, कहां पे वॉल्यूम स्पाइक हुए, कहां पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट किया गया, कहां से शॉर्ट अनवाइंडिंग हुई, कहां से लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, कहां पे शॉर्ट कवरिंग हुई, क्या हुआ, कैसे बिल्डअप्स बाजार में हुए, ये स्टडी करने के बाद में जब आप देखते हैं बाजार कहां कैसा सेटल हुआ है, तब आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं, तब अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अपना प्लान बना सकते हैं अगले दिन के लिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप क्रैशेस का वेट कीजिए, अच्छे स्टॉक्स को हर करेक्शन पे उठाते चले जाइए। चलिए ये तो रही डिसिप्लिन की बातें जो मैं चाहता था, ये 4 ऐसी बातें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए जिससे आप एक अच्छे खासे बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम कर सकते हैं। अब आपको एक ऐसी स्टोरी आपको देने वाला हूं दोस्तों जो रामबाण काम करेगा आपकी लाइफ में। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, मार्केट में 4000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं जो आपके सामने डेली ट्रेड होते हैं। अब हमें लगता है कि हमें कौन से स्टॉक पे काम करना है, तो सबसे पहले अपनी वॉचलिस्ट बनाइए। और वॉचलिस्ट बनाने का मतलब है ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनको आप बाय करना चाहते हैं, क्यों बाय करना चाहते हैं, कहां बाय करना चाहते हैं, कैसी स्ट्रेटेजी उस पर लगाना चाहते हैं, कौन से प्राइस अट्रैक्टिव रहेंगे, कहां पे उसको इंट्राडे के लिए कर सकते हैं, कहां उस पर स्विंग कर सकते हैं, कहां उस पर पोजिशनल ट्रेडिंग की जा सकती है। स्ट्रेटेजी बनाइए, उसके बाद आप काम कीजिए। अब जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा था, मैं बात कर रहा हूं एक शेयर की, ये शेयर बाजार है और इस शेयर बाजार को दूसरे शेयर से कंपेयर कर रहा हूं, दूसरा शेयर की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट लायन। क्योंकि लायन को आपने शिकार करते हुए दिखा है, शेर कैसे शिकार करता है, शेर कभी भी जाके किसी भी टाइम जंप नहीं करता अपने शिकार को हथियाने के लिए, कभी भी नहीं करता, वो घात लगा के बैठता है, एक स्ट्रेटजी प्लान करता है कि कब एक झुंड उसके सामने आएगा, उस झुंड में से सबसे कमजोर जो 3, 4, 5 एनिमल्स होंगे वो उनको आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसके बाद ही नोज दैट ही हैज टू रन फॉर हिज लाइफ। अगर वो उस स्प्रिंट में फेल होता है तो एक शेयर शायद एक दिन में 2 या 3 से ज्यादा स्प्रिंट नहीं मारता, ये साइंस कहती है, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। 2 या 3 स्प्रिंट अगर शेयर ने लगा दी है, लाइन ने अगर रन कर लिया है, उसमें अगर उसको प्रे नहीं मिलता है, वो अटैक नहीं कर पाता है, उसको कोई एनिमल नहीं पकड़ में आता है, तो वो भूखा रहेगा, वो दोबारा उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा लॉस हो चुकी होती है, दोबारा रन नहीं करता, वो पूरे झुंड में आइडेंटिफाई करता है कि पूरे झुंड में 5 से 6 ऐसे एनिमल्स जो कमजोर हो सकते हैं जिनके ऊपर वो अटैक करेगा तो शायद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो आइडेंटिफाई करता है कहां अटैक करना है, उसके बाद वो वेट करता है उस अपॉर्चुनिटी की जहां उसको लगे कि यस नाउ आई कैन रन फॉर द स्किल। उसके बाद जब वो स्प्रिंट करता है और वो अटैक करता है, ही विंस 90% ऑफ द टाइम्स, 90%, 10% वो भी फेल हो सकता है, कोई भी भगवान नहीं, कोई भी खुदा नहीं है। बट यहां पे आपको क्या करना है, आपको एक वॉचलिस्ट बनानी है, वॉचलिस्ट में से ये देखना है कौन सा शेयर आपकी टेरिटरी में सबसे नजदीक आने वाला है, आपकी स्ट्रेटेजी में कौन सा शेयर सबसे नजदीक आ सकता है, आ चुका है। जब वो शेयर आपकी उस प्लान में आ जाए, उस प्लान के अंदर में आ जाए, तो आप अटैक कर सकते हैं, तब उस शेयर को एक्युमुलेट करना स्टार्ट कीजिए। जब आप एक्युमुलेट करेंगे तो हो सकता है शेयर थोड़ा सा गिरे, गिरने दीजिए, आप उसके बॉटम फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि बॉटम फाइंड नहीं करते, बॉटम फाइंड आउट करना आसान है गाइस, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। अगर आप एफएनओ के शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो बॉटम फाइंड आउट करना आसान है, कहीं ना कहीं नियर टू द बॉटम आप जा सकते हैं, फिर उस शेयर को लेके बैठिए या 1-2 महीने की पोजीशंस बनाइए, तो आपको कहीं ना कहीं 10-12-15-20% की रिटर्न्स मिल सकती है। यस दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, बट व्हेन यू एक्चुअली रन लाइक अ लायन, व्हेन यू एक्चुअली प्लान लाइक अ लायन, जब आप उसकी तरह सोचने लगेंगे तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचेंगे। प्रोफेशनल का क्या मतलब है, किंग ऑफ द मार्केट, मतलब आपको बाजार में किंग बनना है। आपको इसलिए नहीं बाजार में आए थे कि रोज मजा के 500,000 कमाने, नहीं, स्टॉक मार्केट इज अबंडेंस, इस अबंडेंस में से आप क्या ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स। नाउ यू हैव टू एक्ट लाइक ए लायन, या बचा खुचा खाना है किसी गीदड़ की तरह से, वो आप सोचिए, बचा खुचा खाएंगे तो कभी भी मजे हुए खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। एंड गाइस आई विश कि मैं आपको मोटिवेट करने में कामयाब हुआ, और हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि डरना मना है, और डरना नहीं चाहते हैं, हिम्मत और बढ़ाना चाहते हैं, तो डेली 9:15 लाइव सेशन में मिलिए, सुबह लाइव मार्केट में देखेंगे मार्केट को कैसे पकड़ना है, डर निकाल के छोड़ दूंगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। और सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, हमें क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के नंबर आपकी स्क्रीन पे है, कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके शहर में जब भी क्लास होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल वी आर मूविंग टू मुंबई 29th में, दैट इज अवर ऑप्शन चेन मास्टर क्लास, ज्वाइन करना चाहते हैं, सीट्स ओपन, बुकिंग्स ओपन, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर्स गिवन द स्क्रीन। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।